आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। गुमला सूर्य उपासना का महाछठ पर्व उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ समापन हुआ। शहर से सटे वन तालाब में छठ व्रती पहुंचे, साथ ही आसपास से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं भक्तों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की, जिसके बाद श्रद्धालु भगवान भास्कर से सुख समृद्धि शांति एवं पुत्र की लंबी आयु को लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। कोरोना के मद्देनजर भी छठ घाटों में सूर्य की उपासना में लीन भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वहीं देश में फैले कोरोना जैसी संक्रमण घातक बीमारी से बचाव और रोकथाम को लेकर सूर्य के उपासक भक्तों ने मन्नत मांगी। वहीं सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के मद्देनजर कई भक्तों ने सूर्य पूजा का महाछठ पर्व की पूजा अर्चना घर में की और भगवान भास्कर से भक्तों ने परिवारों में सुख शांति की कामना करते हुए कोरोना जैसी घातक बीमारी से छुटकारा पाने की मन्नतें मांगी। इधर लोक आस्था का महाछठ पर्व को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। सभी छठ घाटों पर पुलिस की तैनाती की गई, साथ ही रंग बिरंगी रोशनी ने सुंदरता को और बढ़ा दिया। वहीं अप्रिय घटना ना हो इसके लिए प्रशासन ने गोताखोर की भी तैनाती की। वहीं जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा और एसपी हरदीप पी जनार्दन ने सामूहिक रूप छठ घाट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था, छठ व्रतियों को विशेष सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए। झारखंड के गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। साल हो गया मेरा छठ पूजा समिति के मैं मेंबर हूँ, अध्यक्ष हूँ मैं, और हम लोग नवजुवत संघ दुर्गा पूजा समिति के मेंबर भी हैं। तो छठ पूजा हमारे कई साल से मैं तालाब पर कर रहा हूँ, उसके जितना लाइट उट जितना भी बाजा वजा का व्यवस्था सब हमारे संघ करते हैं और हम चाहते हैं कि सब कुछ छठ व्रती आए जल्द ही संख्या में और हमारे तालाब का छठ पूजा का स्वागत करें। हम लोग मास्क भी बांटे हैं, सबको बांटे हैं, छठ लोगों को बोले भी हैं, राहुल जी किए हैं कि आप लोग मास्क पहन कर रखा करिए, अच्छा फासला बनाए रखिए। और संस्था की तरफ से फल दूध अगरबत्ती माचिस सब बांटा जा रहा है। तो क्या नाम है आपका? शिवनाथ पासवान। क्या मान्यता थी? क्या मान्यता थी? सभी को स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, यही मान्यता। पूरा जिला रोग मुक्त हो जाए। और क्या मान्यता मांगी है आपने? और यही कि जितना बाल बच्चे हैं सब खुश रहे, भगवान सबको आबाद रखे, कोरोना से बचाए रखे सबको। चार दिन से चल रहा है, आज लास्ट है।